तो हम आ चुके हैं हमारे आज के इस मैच के साथ और प्ले करते हैं यहाँ पर फिलहाल इस मैच को। और बैंगलोर की टीम चूज करके खेलेंगे इस मैच में हम। स्क्वाड ये है दोनों टीमों का। तो शुरुआत करते हैं अब इस मैच की। पुणे के स्टेडियम में ये मैच हो रहा है, तो पुणे का स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, चौके छक्के लगाना मुश्किल होता है। तो क्या आज के इस मैच में स्कोर बड़ा रहता है या फिर क्या सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल यहाँ पर टॉस हमने कर लिया है और फैसला हमारे पक्ष में है, बॉलिंग का फैसला किया हमने। और हमारी ओपोनेंट टीम को हमने कहा है कि आप पहले बैटिंग करने आइए और एक बड़ा टारगेट खड़ा करिए। वैसे तो पुणे के स्टेडियम में बड़ा टारगेट देना या बड़ा टारगेट चेज करना, वो दोनों ही काम काफ़ी मुश्किल होता है, पर हम देखना चाहेंगे। और चेन्नई की टीम ने 209 रन बना दिए हैं, और ऐसा नहीं कि किसी ने सेंचुरी बनाई है, पर तीन प्लेयर हैं जिन्होंने अर्धशतक बनाया है और तीनों ने बहुत ही तेज़ी के साथ बनाया है। 209 रन बना दिए हैं चेन्नई की टीम ने, 3 विकेट मात्र खोए उन लोगों ने। और अब हमारी टीम को जीत के लिए चाहिए 210 रन। कैप्टन को हम रखेंगे स्ट्राइकर एंड पर, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी हमने एक राइट हैंड बैट्समैन को ही रखा है। और ये दोनों अब आ चुके हैं और ये दोनों कैसा खेलने वाले हैं वो हम देखना चाहेंगे। और उम्मीदें तो हमें इन दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 210 रन का टारगेट है, तो एक ओपनर को तो कम से कम चलना ही पड़ेगा। और पहला ओवर हम कोई ज़्यादा बड़ा रखने की कोशिश नहीं करेंगे, एक नॉर्मल अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अच्छी टाइमिंग है, प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, पर फील्डिंग अच्छी नहीं हो पाई तो चौका मिल गया है। तो खैर यहाँ पर पहली बॉल तो डॉट रही, पर दूसरी बॉल पर एक चौका मिला। पार्टनरशिप थोड़ी बहुत हुई है पर विकेट्स 3 गिर चुके हैं, दिक्कत की बात यह है। यहाँ पर एक लॉफ्ट हेड शॉट खेलने की ज़रूरत, और बिल्कुल यहाँ पर एक चौका मिलेगा। मिड विकेट के फील्डर को हमने पार कराया और एक अच्छा चौका बटोर लिया। अभी यहाँ पर समय जो है वो कुछ ऐसा हो चुका है कि हमें कुछ अच्छे और कुछ बड़े शॉट्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि 210 रन का टारगेट है, 3 विकेट पहले ही गिर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर तेज़ करने की ज़रूरत है। टाइमिंग इसकी अच्छी है और बिल्कुल हाँ, ये गैप में बॉल है, लगातार 2 चौके हमने लगा दिए। वैसे इस बॉल पर चौका लगाने को हमने नहीं देखा था, सिर्फ सिंगल या डबल लेने को देखा था, पर प्लेसमेंट अच्छी रही और टाइमिंग भी अच्छी हो गई, तो वहाँ पर मिल गया एक चौका। यहाँ पर प्ले, ओहो, क्या खूबसूरत ये शॉट है यार। अच्छा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन की तरफ से ऐसा पॉइंट के फील्डर के ऊपर से ये छक्का, ये काम हमने किया है, बहुत बार किया, पर इतना अच्छा वो पोजीशन ले करके चौका लगाना, ये चीज़ हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पर ये भी चौका अच्छा है और अच्छी पोजीशन में यहाँ भी आए, पर अब यहाँ से थोड़ा सा टिकना होगा और वो ही काम नहीं कर पाए हैं हमारे प्लेयर्स। 127 रन पर 7 विकेट खो चुकी है हमारी टीम। यहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी है, पर फ़ायदा उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 7 विकेट गिर चुके हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि पुणे के स्टेडियम में बड़ा टारगेट देना और बड़ा टारगेट चेज करना दोनों ही काफ़ी मुश्किल होता है, तो बड़ा टारगेट दे तो दिया चेन्नई की टीम ने, पर चेज़ हम नहीं कर पाएंगे ऐसा अभी तक के तो यही लग रहा है। पर हाँ, एक चौका एक छक्का हमने लगा दिया है। यहाँ पर गली के फील्डर के ऊपर से खेला जा सकता है, और अरे रिवर्स नहीं खेलना चाहिए था, पीछे फील्डर मौजूद, और अगर नॉर्मल खेलते ना तो वहाँ पर चौका मिल सकता था, पर रिवर्स शॉट खेलने के लिए टाइमिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है। और बॉलर हैं ये, 6 बॉल में 15 रन बना करके जा चुके हैं। डांस काफ़ी अच्छा था उस चेन्नई के बॉलर का, पर ठीक है, अभी जो आए हैं वो भी एक बॉलर ही हैं। और हाँ, ये तो बात सच है कि अब इस मैच को हम हार जाएंगे, पर इस चीज़ की हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कम से कम रनों से हारे। यहाँ पर एक और टाइमिंग अच्छी है, और प्लेसमेंट इसकी उतनी अच्छी नहीं है, अगर डाइव लगाते या थोड़ा सा स्लिप करते तो वहाँ पर मतलब 2 रन बचाए जा सकते थे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, हमें एक चौका मिल गया, वो अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खेलने की कोशिश, पर प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, फील्डर मौजूद, और बिल्कुल हाँ, ये कैच, एक और ये विकेट जा चुका है। और अब
सिर्फ और सिर्फ एक विकेट चाहिए चेन्नई की टीम को इस मैच को जीतने के लिए, और क्या वो आखिरी प्लेयर कुछ कर पाएगा। वैसे ये कहना ही बहुत बड़ा मतलब एक मजाक है, क्योंकि अभी यहाँ से जितने रन्स चाहिए ना वो काम बहुत मुश्किल है, और बॉलर इतने रन्स बना दे ये काम तो हमने जल्दी करते हुए देखा है नहीं। पर यहाँ पर फिलहाल ये फुल लेंथ की बॉल है, टाइमिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, छक्का हाँ ये बिल्कुल है। 61 रन्स अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए, 39 बॉल्स में 61 रन्स। अगर 10-12 रन चाहिए होते या 20 रन भी चाहिए होते तो काम हो जाता, पर 61 रन्स ये काम बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक और लॉफ्टेड शॉट खेलने की ज़रूरत है, पर टाइमिंग इसकी अच्छी नहीं है, फील्डर यहाँ भी था और बहुत अच्छा कैच उस फील्डर के द्वारा। समाप्ति हो चुकी है बेंगलोर की टीम की इनिंग्स की, और आज के मैच को हम जीत नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, अगले मैच में हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और चेन्नई की टीम जीती है, काफ़ी अच्छी तरीके से जीती है इस मैच को, 34 बॉल्स में 60 रन की इनिंग्स खेली थी मैन ऑफ द मैच ने, और 60 रनों की एक बड़ी जीत मिली है चेन्नई की टीम को।